नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर घटना पर उचित कार्रवाई नहीं होने से नाराज बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो भेजा ही है, साथ ही इस्तीफा की होर्डिंग लगाकर इसकी जानकारी आम लोगों को दे रहे हैं। होर्डिंग के जरिए विनोद शर्मा ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार बताते हुए लिखा कि ऐसे नेतृत्व के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं। विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता सब मीडिया पैनलिस्ट के पद पर थे। विनोद शर्मा के इस्तीफे से जुड़े पोस्टर पटना की सड़क और पार्टी दफ्तरों के पास लगाए गए हैं। राजद जदयू कार्यालय, मंत्री लेसीसी के आवास आदि जगहों पर पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। विनोद शर्मा ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्ति से पोस्टर की शुरुआत की है। पोस्टर पर लिखा है कि मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है, जिसके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पूर्ण जिम्मेदार हैं और इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसे नेतृत्व में काम करते हुए मुझे आत्मग्लानि एवं कलंकित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए तत्काल पार्टी के पदों और पार्टी से मैं इस्तीफा देता हूँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।